चलिए जी बच्चों, कल हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स करी थी। अभी सारी टर्म्स नहीं हुई हैं, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ मैंने उतनी टर्म्स आपको करवाई हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जरूरी हैं। कुछ टर्म्स रह गई हैं बेटा, वो मैं आपको जब पूरी थ्योरी एक साथ पढ़ाऊंगी, अभी बहुत सारी थ्योरी रहती है तो हम एक साथ उसको कर लेंगे, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल साइड पर मूव करते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीजें समझ आएंगी, तो आप थ्योरी को जो हमने छोड़ दिया उसको अच्छे से ग्राप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, मैंने कल आपको बताया था कि हम जब एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जी बिल्कुल, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बच्चा जो भी पैसा आया या गया हम वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब पैसा कैश में भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, तो जो भी पैसा आया या गया हम वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बेटा यहाँ पर जो भी हमारी इनकम होगी यानी जो भी पैसा हम कमाएंगे, ठीक है, या हम खर्च करेंगे, वो यहाँ पर डिटेल बनाई जाती है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बनाते थे, ठीक है। और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है कि इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल्स डाली जाएंगी। अब बच्चा इसके अंदर बनाना इजी है, जैसे आपने 11th क्लास के अंदर प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाए थे, सेम वैसा ही है। बट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट आपके लिए नया रहेगा। तो बेटा पहले हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करने से पहले हम उन आइटम्स का ट्रीटमेंट देख लेते हैं, सीख लेते हैं, सो दैट जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पर मूव करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है बेटा सब्सक्रिप्शन जी। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, ये मेंबर्स देते हैं एनुअली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ये पैसा मेंबर से एनपीओ को मूव होता है, ठीक है। तो ये उनकी एक तरीके से इनकम का पार्ट है। लेकिन बेटा होता क्या है, ये सब्सक्रिप्शन कई बार कम आता है या कई बार ज्यादा आ जाता है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है विच आर रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एडवांस, ठीक है। तो बस यही एडजस्टमेंट मेरे को आपको सिखानी है। तो बेटा ये एडजस्टमेंट करने से पहले मैं आपको अकाउंट इसका सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं इसका अकाउंट सिखा रही हूँ, रिलेट मैं आपको बाद में कर दूंगी कि ये अकाउंट का यूज हमारा फाइनल अकाउंट्स में कहाँ होने वाला है, बट आप जो भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करेंगे वो इस अकाउंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो एक बार अकाउंट देख लेते बेटा, चलिए। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इनकम है एनपीओ की, तो ऑब्वियसली ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। चलिए जी, बना लेते हैं इस अकाउंट को, और इस अकाउंट को पहले लर्न करेंगे बेटा, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसकी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जाएंगी। तो मैं इसको जरा डिलीट कर देती हूँ यहां से, सो दैट वी कैन गेट द स्पेस। चलिए जी, तो ये अकाउंट बनता है, ऊपर आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड, ठीक। तो बच्चा इसमें सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और इसी का ही अपोजिट आएगा बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। चलिए आगे टू, सॉरी यहां पर तो बाय आएगा, बाय ओपनिंग एडवांस, ठीक है, और इसी का ही क्रॉस के अंदर क्या जाएगा, बाय क्लोजिंग एडवांस, ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, यहां पर यहां जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक
ठीक है। तो ये छह चीज इसके अंदर बेटा जाती है, जिसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, राइट हैंड साइड पर रिसेप्टेंट पेमेंट और लेफ्ट हैंड साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा पहले लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं आपको दो मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसको दो बार बनाकर देख लीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसेप्टेंट पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं दो मिनट का पॉज दे रही हूँ, जल्दी से लर्न कर लीजिए। चलिए जी, आप लोगों ने आई थिंक बना लिया होगा और लर्न कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके कंटेंट देख लेते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए जी, इसका मतलब समझ लेते हैं। बच्चा मैंने आपको कहा कि ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, एनपीओ की इनकम होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लीजिए मुझे अकाउंट्स बनाने हैं फिनेंशियल ईयर 1920 के, ठीक है। तो ये मेरा साल है 19-20। अब इससे पहले एक साल और चल रहा है 18-19 का, और इसके बाद एक साल और चलेगा 20-21 का। ठीक है जी, तो एक बात बताइए बच्चा, मुझे जो अकाउंट्स बनाने हैं वो 19-20 के बनाने हैं, ठीक है। तो उससे पहले वाला अगर कुछ होगा या उसके बाद वाला अगर कुछ होगा तो उसे मुझे फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, और वही एडजस्टमेंट के लिए हम ये क्या बना रहे हैं, अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने सबसे पहली टर्म यूज करी है बेटा, वो टर्म यूज करी है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसको अरियर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए 18-19 के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, ठीक है। उन्हें करना चाहिए था बट उन्होंने पे नहीं करा, क्लियर हो गया। तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। यानी मुझे उनसे पैसे लेने थे कब, ओपनिंग यहां पर, ठीक है, क्योंकि वो 18-19 से रिलेटेड थे तो मैंने उसकी एडजस्टमेंट 18-19 में कर दी होगी, और वो जो पैसे थे अब वो मुझे यहां पर लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए ये जून चल रहा है, ठीक है, ये मई था, डन। अब मान लीजिए आप लोगों ने मुझसे मई में ट्यूशन ले ली और यहां पर फीस पे नहीं करी, तो ऑब्वियसली वो फीस क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। यानी वो आपको मुझे, आप मुझे वो पैसे दोगे तो ऑब्वियसली वो मेरी जून के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। मैं अपना वो जून के अंदर मेंशन करके रखूंगी कि मुझे इस पुराने बच्चे से पैसे लेना है। तो यही वो काम है जो 18-19 के अंदर कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, वो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 19-20 में, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करेगा बेटा, प्रीवियस ईयर से, क्लियर हो गया। तो ये पैसा मुझे बेसिकली उनसे लेना है, और ये पैसा रिलेट किससे कर रहा है, पिछले साल से, क्लियर हो गया। चलिए अब इसी का दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग का मतलब हम इस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं तो मेरा क्लोजिंग ये आएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब कि इस डेट को 31-3-20 को मुझे टोटल पैसा कितना लेना है, टोटल पैसा। बेटा मैं यहां वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, टोटल अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में डाला, किस लिए, टोटल की बात कर रही हूँ। यानी पिछले सालों में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, ठीक है, अभी तक, कब तक, 31-3-20 तक, वो पूरा टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक।
क्योंकि इतना पैसा मुझे उनसे 31 मार्च को लेना है। क्लियर हो गया? तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बेटा आपको पता है ना ओपनिंग बैलेंस हमेशा किसका होता है 1/4/19, क्लोजिंग बैलेंस कब का होता है 31/3/20, साल के एंड का और ये साल के स्टार्ट का। तो ऑब्वियसली ओपनिंग वाला कब आएगा, 1/4/19 को कितना पैसा लेना था, क्लोजिंग बैलेंस का क्या आएगा बेटा 31/3/20 को टोटल कितना पैसा लेना था रिलेटेड टू एनी ईयर। क्लियर? चलिए जी अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, रब कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खुचर खुचर हो गया। तो ये दोनों जो टर्म्स है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करेंगे बेटा ओपनिंग एडवांस की। अगेन मेरा साल 19/20 का है, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, कुछ बंदे ऐसे थे जो 18/19 से रिलेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे क्या करा 18/19 में ही 19/20 का पैसा एडवांस दे दिया, ठीक है। 18/19 में ही 19/20 का पैसा एडवांस दे दिया। तो जब मैं 1/4/19 के अकाउंट्स बनाऊंगी तो वो मेरे लिए लायबिलिटी होंगी। किस लिए लायबिलिटी होंगी, देखिए फिर से एग्जांपल समझते हैं, जून मई, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने मुझे जून की फीस मई में दे दी, ठीक है, जून की फीस मई में दे दी, तो यानी 1 जून को वो मेरी लायबिलिटी होंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें पूरा जून पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन 19/20 का ऑलरेडी 18/19 में मिल जाता है तो वो मेरा ओपनिंग एडवांस कहलाएगा, ठीक है जी। ये वो पैसा है जो मुझे 1/4/2019 को एक्स्ट्रा मिल गया है विच इज रिलेटेड टू 19/20 फाइनेंशियल ईयर। तो ये मेरी ओपनिंग लायबिलिटी आ गई, इसलिए मैंने इसे क्रेडिट साइड पर लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग एडवांस की, यानी अब क्लोजिंग डेट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या हुआ बेटा, किसी ने मुझे 20/21 का पैसा यहां पर दे दिया, तभी तो एडवांस होगा, और क्लोजिंग एडवांस है तो इट मींस ऑब्वियसली 20/21 का पैसा मुझे इसी साल मिल गया, तो ये मेरा क्लोजिंग एडवांस विच इज रिलेटेड टू 20 or 21 अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये मेरा क्लोजिंग एडवांस हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट। व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट, द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब वो अमाउंट जो मुझे मिला है, इसमें भी टोटल की बात करेंगे, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो, किसी साल से भी रिलेटेड जो भी पैसा इस साल मिला है मुझे 19/20 के अंदर, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, ठीक है। एंड बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यही आपको कैलकुलेट करनी होगी। एक्चुअली में ये फिगर क्या आएगी बेटा, आपको पता है अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम दो चीजें बचाते थे, ठीक है, पहला रेवेन्यू आइटम्स प्लस रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू आइटम तो है क्योंकि वो हर बार मिलेगा, इनकम है। और जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड है यानी 19/20 से रिलेटेड है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए क्योंकि पीएनएल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक जैसे होता है, ठीक है। तो जो करंट ईयर से रिलेटेड है चाहे मिला या नहीं मिला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, करंट ईयर के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था यही मेरा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको 70% भी समझ आ गया तो भी बहुत है, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इन सबका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है और इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको ये लर्न करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।